पवन खेड़ा जी को कहा कि आपका बैग रह गया है, उनके पास कोई बैग है ही नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपके साथ हेमंत केवलिया। दिल्ली एयरपोर्ट्स पर एक बार फिर से हंगामे की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, और इस बार हंगामा लोगों की ओर से नहीं किया जा रहा, बल्कि हंगामा दरअसल किया जा रहा है एक राजनीतिक पार्टी की ओर से। हंगामा इस बात को लेकर क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता हैं पवन खेड़ा को फ्लाइट में चढ़ने से रोका गया, ऐसा आरोप कांग्रेस के नेताओं की ओर से लगाया जा रहा है, और ऐसी वीडियो अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें दिल्ली पुलिस को लेकर और तमाम जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सीधा टारगेट देश के प्रधानमंत्री को लेकर किया जा रहा है, वर्तमान की मोदी सरकार को लेकर निशाना कांग्रेस पार्टी की ओर से साधा जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला क्या है वो हम आपको बता दें कि 85वां कांग्रेस पार्टी का महाअधिवेशन होने जा रहा है रायपुर में, 24 तारीख से इसकी शुरुआत होने जा रही है, और इससे पहले कांग्रेस का ये आरोप है कि इस महाअधिवेशन में अड़ंगा लगाने का प्रयास बीजेपी करना चाहती है, मोदी सरकार करना चाहती है, क्योंकि हमने तमाम ऐसे लोगों के नाम को सामने रख दिया जिससे कहीं ना कहीं मोदी सरकार की नींव हिल गई है। यह जिक्र कांग्रेस के कई नेता पहले कर चुके हैं। हम आपको यह भी बता दें कि इस महाधिवेशन के शुरू होने के दो दिन पहले ईडी की ओर से छापेमारी कार्रवाई की गई छत्तीसगढ़ के कई कांग्रेस के नेताओं के यहां पर। कांग्रेस पार्टी की ओर से सवाल खड़े किए गए थे कि इस महाधिवेशन में अड़ंगा डालने का काम जो है वो बीजेपी करना चाहती है, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाएगी। खुद प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके ये जिक्र किया था। उन्होंने क्या कहा था वो आपको बता देते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी के मित्र गौतम अडानी पर शेल कंपनियों के जरिए घपला और अन्य कई गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन क्या आपको कोई भी एजेंसी इसकी जांच करती दिखी? लेकिन कांग्रेस अधिवेशन में अड़ंगा डालने और मोदी जी और उनके मित्र के बीच की सांठगांठ पर उठ रहे आवाजों पर एजेंसियां लगा दी गई हैं। एक और ट्वीट प्रियंका गांधी ने किया, उसमें उन्होंने लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निडर होकर देश के मुद्दों पर आवाज उठाती रहेगी। कांग्रेस अधिवेशन में हम महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलंद आवाज उठाने का संकल्प लेंगे। कठपुतली एजेंसियों का डर दिखाकर आप देश की आवाज को दबा नहीं सकते। यह प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। और अभी एयरपोर्ट पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं जो अधिवेशन में दरअसल शामिल होने के लिए जा रहे थे, जिसमें रणदीप सुरजेवाला भी हैं और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी नेता हैं जो उस फ्लाइट से रायपुर पहुंचने वाले थे, वो सभी दिल्ली एयरपोर्ट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनसे सवाल उनकी ओर से पूछा जा रहा है कि आखिर किस वजह से उनको रोका गया। हालांकि इन सबके बीच पवन खेड़ा का बयान भी सामने आ गया, रणदीप सुरजेवाला का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि किसी बैग को लेकर जांच की जा रही थी और उनके पास सिर्फ एक बैग था, ये भी जिक्र कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे मिलने, मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं, क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है, जब तक मुझे तो नहीं समझ पा रहा प्लीज सर, इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब की, आ जाए। आज हम सब इंडिगो की फ्लाइट से कांग्रेस महाधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे हैं। यकायक उन्होंने हमारे साथी पवन खेड़ा जी को कहा कि आपका बैग रह गया है, उनके पास कोई बैग है ही नहीं। आखिर में पुलिस आई और कहा कि आसाम पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है, तो हमने कहा कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दीजिए या गिरफ्तारी का लिखित ऑर्डर दीजिए। ना वो एफआईआर देते, ना मजिस्ट्रेट का प्रोडक्शन वारंट उनके पास है, ना उनके पास कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर है। लेकिन वही दिल्ली पुलिस की ओर से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये कोई मामला असम से जुड़ा हुआ है और उस वजह से ये पूछताछ पवन खेड़ा से की जा रही थी, लेकिन पवन खेड़ा को जैसे ही रोका गया तो कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो वहां पर उतर गए और दिल्ली एयरपोर्ट पर ही धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। यानी कि एक बार फिर से गौतम अडानी को लेकर मोदी सरकार को घेरने का जो प्रयास किया जा रहा है उस पर सीधा टारगेट कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से किया गया, और इसको दरअसल कांग्रेस के नेता बदले की भावना से की गई कार्रवाई से जोड़कर भी देख रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो टिप्पणी की गई, यानी कि ये सोशल मीडिया में अलग अलग तरीके की आवाजें निकलनी शुरू हो गई हैं कि पवन खेड़ा ने देश के प्रधानमंत्री को लेकर जो टिप्पणी की थी अब उनको व्यक्तिगत तौर पर परेशान करने की दिशा में एक कदम
है। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर ही पवन खेड़ा पर यह एक्शन लिया जा रहा है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि उस बयान को लेकर लखनऊ समेत कई और प्रदेशों में भी दरअसल पवन खेड़ा के खिलाफ मामले दर्ज हुए। असम के दीमा हसाओ जिले के हाफलोंग थाने में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था और अब असम पुलिस ने कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें दिल्ली की एक अदालत में पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड पर असम ले जाया जाएगा। अब इसको लेकर क्या सोच रहे हैं जरूर बताएं। नमस्कार।